अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे और हम ये कहेंगे कि पुलवामा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी। जी, आपको बता दें 14 मई को लगभग 3:30 बजे के करीब जनूबी कश्मीर ज़िला पुलवामा के उरवन इलाके में एक 9 से 10 साल लड़की को एक लोड कैरियर टक्कर मारता है, बल्कि हम ये कहेंगे एक लोड कैरियर वाला जोरदार टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद इस लड़की को शदीद तौर पे जख्मी करता है। उस लड़की को वहां के नज़दीकी अस्पताल के लिए मुंतकिल किया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे SMHS अस्पताल के लिए मुंतकिल किया और डॉक्टर इससे पहले इस लड़की का इलाज मुआलजा करते और डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बल्कि हम ये जो ऑटो वाला है बाद में वहां से फरार हो गया था और बागनी में कामयाब हो गया था। हालांकि 14 मई से ही पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और तरह तरह के जो CCTV फुटेज है उनको चेक कर रही है। आज पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक बताया गया है कि आज एक ऑटो वाले को गिरफ्तार किया गया, एक लोड कैरियर वाले को गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। इमरान अली मीर, सनाफ अली मोहम्मद मीर, रेजिडेंट ऑफ संजीपोरा BKpora बडगाम। उस लड़के लोड कैरियर का नंबर आपको बता दूं, JK01AD9301 इसका नंबर है और पुलिस की तरफ से आज इसकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। कि लोग जो है पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। मामले को लेकर पुलिस ने जो है पहले से ही एक FIR दर्ज की थी और आज इसकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। और पुलवामा पुलिस के लिए खासकर न्यूवा जो SHO है उनको हम सराहते हुए इस कामयाबी की मुबारकबादी देते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें कश्मीर ट्रिब्यून के साथ।